यहाँ पे देवियाँ रहती हैं, चुड़ैल जिनको बोलते हैं आप। अच्छा, वो रहती हैं यहाँ पे, नृत्य उनका नाच होता है यहाँ पर 12 बजे रात के, और यहाँ पे हर चीज उनका यहाँ पे निवास रहता है। सीताराम दोस्तों हम चित्रकूट के बिहार घनघोर जंगलों में आ गए हैं और वृद्ध संत की कुटिया में जा रहे हैं। महाराज जी के लिए कुछ सामग्री है, ये बोरी में राशन सामग्री है और इसमें सब्जी है और बक्सा है और बक्से में भी कुछ सामग्री है। ये सारी सामग्री आपको महाराज जी की कुटिया में दिखाएंगे, हमारे साथ वजन भी है इसलिए हम भैया को साथ में लेकर आए हैं, तो ये सारी सामग्री वहाँ तक पहुँचाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधा कुटिया की और देखते हैं कि महाराज जी इस समय क्या कर रहे हैं। और वजन थोड़ा ज़्यादा है तो लेकर चलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। देखिए कितना वजन है, अकेले उठा पाना बड़ा मुश्किल है। कौन उठवाओ, देखिए दोस्तों कितना वजन है और इसमें भी वजन है। तो आइए चलते हैं। और यहाँ से दोस्तों पहाड़ी की शुरुआत हो जा रही है। कितनी ज़्यादा चढ़ाई है फिर भी हम जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं। ये देखें महाराज जी की कुटिया है, आइए अंदर चलकर देखते हैं। महाराज जी अपने धूना में बैठे हुए हैं। सीताराम महाराज जी, तो ये देखें दोस्तों महाराज जी की कुटिया है जो चारों तरफ से महाराज जी पत्थर लगाकर बनाए हुए हैं और ऊपर से महाराज जी घास फूस का छप्पर डाले हुए हैं। महाराज जी आपकी सेवा में हम ये बक्सा लाए हैं, वो जो बंदर सब मतलब गिरा देते थे ना राशन सामग्री, तो ये महाराज जी आपकी सेवा में ये बक्सा है। और महाराज जी नीचे बिछाने के लिए आपकी सेवा में ये चटाई है। महाराज जी आप गुफा के लिए तिरपाल बोले थे, ये महाराज जी आपकी गुफा के लिए तिरपाल है। महाराज जी इसमें आपके लिए आटा है और इसमें महाराज जी आपके लिए चावल है। और महाराज जी आपकी सेवा में चीनी, और ये महाराज जी गुड़ है आपकी सेवा में, और इसमें महाराज जी मूंग की दाल है, और ये महाराज जी 2 बाटल सरसों का तेल। इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है। और ये महाराज जी आपके लिए मसाला, सब्जी मसाला। और महाराज जी यदि आप कहीं जाएंगे तो इसमें लाख भी तो लगाना पड़ेगा, तो ये महाराज जी लाख है। ये महाराज जी 2 बल्ब हैं आपके लिए। इसमें महाराज जी भोलेनाथ की सेवा में ये पेंट है और ब्रश और ये आई। महाराज जी जो आपकी कुटिया में हम सोलर पैनल लगाए थे तो जल रहा है, जल रहा है। थोड़ा महाराज जी जला कर दिखाइए हमको। ये तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये बल्ब महाराज जी की कुटिया में लगा है और जल रहा है बढ़िया, और इधर बटन भी लगी है आप देख सकते हैं। यहीं से महाराज जी बंद कर देते हैं और ये बैटरी रखी है कुटिया में ही, महाराज जी अपना बैटरी रख लिए हैं और पैनल महाराज जी की कुटिया के ऊपर रखा है, अभी आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए ये पैनल रखा है ऊपर से, और ये कुटिया महाराज जी की तेंदू के पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं। काफ़ी बीहड़ और घनघोर डरावना जंगल है और चारों तरफ से आपको बंदर देखने को मिलेंगे, और इधर सामने साइड आप देखेंगे तो पहाड़ी भी है। तो दोस्तों महाराज जी अब अपनी सामग्री जो है सेट करने जा रहे हैं, देखिए बक्से में रखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सामग्री उसमें आती है क्या नहीं आती है। महाराज जी थोड़ा इसमें चढ़कर देखिए मजबूत है कि नहीं है, चढ़कर देखिए। हाँ चढ़िए,
मजबूत है। मजबूत है महाराज जी? हाँ मजबूत है। ठीक है, आप रखिए महाराज जी। कहाँ पर रखते हैं? महाराज जी मजबूत है ना? हाँ मजबूत है उससे। और महाराज जी अपना सामग्री पहले महाराज जी ये रखिए, आटा चावल। ये देखिए दोस्तों, आटा चावल इसमें महाराज जी रख दिए हैं, और देखते हैं कि क्या क्या सामग्री आती है। आलू है महाराज जी, खोलना पड़ेगा। हाँ फिर खोल ले अब। हाँ अब तो धाय रहा। चटाई भी रख ली महाराज जी। सारी सामग्री आ गई इसमें? हाँ आ गई। देखिए दोस्तों, महाराज जी अपनी सारी सामग्री इस बक्से में रख लिए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। और महाराज जी बक्सा फिट है ना? हाँ बक्सा बढ़िया है। छोटा तो नहीं है? हाँ छोटा नहीं है, फिट। बंद हो गए महाराज जी? हाँ, बंद हो गया। मजबूत है? हाँ। बंदरों से अब सुरक्षा रहेगी? हाँ, रहेगी। महाराज जी कैसा लग रहा है? अब अच्छा है, अब कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ अब चाहे जब तक जो चीज रखा रहे उसी तरह रहेगा। अच्छा हाँ। तो महाराज जी अभी यहाँ पर जो इतने सारे चावल पड़े हैं, तो यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पर वो गुफा से सब निकाल के बंदर खा लिए ना सुबह। कौन से गुफा से महाराज, थोड़ा बताइए। ये जो है ना पत्थर का, ये यहाँ रखा था सब कुछ ये यहाँ पे, और यहाँ से निकाल लिए। अच्छा खा गए सब, नमक बचा दिए बाकी तो खा गए। अच्छा नमक बच गया? हाँ। तो यहाँ पर महाराज जी रखा था सब? हाँ, यहाँ से खींच लिए। यहाँ से खींच लिए सब। देखिए दोस्तों, इस गुफा में महाराज जी की राशन सामग्री थी, तो बंदर निकाल कर खा लिए हैं और बिथरा भी दिए हैं। देखिए चावल वगैरह यहाँ पर पड़े हैं। हम तिरपाल की नाप ले रहे हैं और देखते हैं कि महाराज जी की गुफा के हिसाब से फिट हो रही है कि नहीं हो रही है, और ये भी देखना कि फटी वटी तो नहीं है। महाराज जी फिट है? हाँ। आपकी गुफा इसमें पैक हो जाएगी? हाँ, हाँ, हो जाएगी। महाराज जी फटी तो नहीं है? हाँ, फटी तो नहीं है। ठीक है महाराज जी, आप जो है इसमें ऊपर से कैसे बनाएंगे महाराज जी? अब इसको इसी तरह बनाएंगे जैसे इसको बनाए हैं। हाँ। दो थूंभी नीचे डालेंगे। अच्छा एक थूंभी वहाँ डाल देंगे जी, और एक इसमें से रख के और उधर इधर को उतार देंगे जी महाराज जी। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है, और महाराज जी इस दीवार से इस पेड़ तक पत्थरों की दीवार बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर महाराज जी एक दरवाज़ा लगाना चाह रहे हैं। तो महाराज जी की इच्छा पर हम महाराज जी को एक दरवाज़ा पहुँचाएँगे जल्द ही। इसमें महाराज जी कितना, 2.5 फुट? हाँ 2.5 फुट। और 4 फुट? 4 फुट। जाली वाला दरवाज़ा? हाँ, हाँ जाली वाला। और दोस्तों आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ के ऊपर कुछ प्राचीन खंडहर हैं, वहाँ पर खून से लिखा रहता है महाराज जी ने बताया, प्राचीन काल है महाराज जी। तो आपको उस जगह के भी दर्शन करा देते हैं। बस ऐसे चढ़ना है ऊपर को ये पहाड़ में? हाँ इस पहाड़ में। कितना ऊंचा होगा महाराज जी? अब यहाँ से समझ लो कि 200-300 फीट मीटर। अच्छा तो दोस्तों यहाँ से अब हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। महाराज जी हमको प्राचीन शिलालेख दिखाने वाले हैं। तो आधे जंगलों के ऊपर आ गए हैं। ऊपर देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर हमें जाना है अभी। तो कितना हरा भरा जंगल है, और ये देखिए ये चकौड़ा की भाजी है जो संत महात्मा खाया करते हैं। और महाराज जी ये जो इसमें लिखाई चट्टानों में दिख रही है ये वाली, हाँ हाँ। ये कौन लिखा है इस तरह? ये भगवान जाने, ये इसी तरह लिखा रहता है यहाँ पे सब दिन। कितनी भी ये मिटता नहीं है, फूट के झर भी जाता है। हाँ। लेकिन वो मिटता नहीं लिखा हुआ। महाराज जी जो ये चट्टानों में काला काला दिख रहा है ये क्या है?
ये शिलाजीत है, तो ये शिलाजीत बोलते हैं ना बेचने वाले, हाँ हाँ वही शिलाजीत है। तो चट्टानों से निकलता महाराज जी? हाँ, पत्थर से निकलता है, बहता है गर्मी ऋतु में। इधर महाराज जी लग रहा कि घोड़ा जैसे है ना? हाँ हाँ, ये पालकी में नधा हुआ है ना घोड़ा, ये पालकी समझ में आ रही है। हाँ हाँ, और पालकी में आगे लग रहा कि घोड़ा बांधा है। हाँ, और पीछे भी ऐसा ही लग रहा कि कुछ लोग पालकी लेकर जा रहे हैं। बैठे हैं, बैठे हैं। हाँ जी, और ये आगे गाय देखो खड़ी, आपको दिखाई ही दे रही है वो चट्टान पे। अच्छा इधर? हाँ गाय, ये महाराज जी हाँ गाय बनी है। तो महाराज जी कौन लिखा है यहाँ? यहाँ पे देवियाँ रहती हैं, चुड़ैल जिनको बोलते हैं आप। अच्छा, वो रहती हैं यहाँ पे, नृत्य उनका नाच होता है यहीं पर 12 बजे रात के, और यहाँ पे हर चीज उनका यहीं पे निवास रहता है। और यहाँ से गंगा स्नान के लिए जाती हैं नीचे। अच्छा, नीचे तरफ। हाँ, और फिर ऊपर आती हैं अपना, फिर हर चीज करती हैं जो भी करना है। हाँ, और ऐसी एक इसमें शिला है और एक गेट है कि उसी में ही समाहित हो जाती हैं, और फिर वो गेट खुलता है रात में। अच्छा, रात में मतलब गेट यहीं पर कहीं? हाँ, यहीं पर कहीं वो गेट है। अच्छा, और वो गेट किसी को पता भी नहीं है अभी आज तक। और वो शिला जो सामने दिख रही है ना आपको, लगी हुई एक चाबी जैसे घुसेरी है। हाँ हाँ हाँ, वही शिला शायद खुलती है कभी कभी, बताते हैं। अच्छा, ये वाली? हाँ, जो बीच में लगी है। हाँ, चाबी जैसे घुसी है। अच्छा, इसी से इसका आना जाना है शायद, इसके अंदर का गुफा। अच्छा, मतलब दिन में बंद रहता है? हाँ, दिन में बंद रहता है, रात में 12 बजे बताते हैं लोग तो खुलता है जी। और यहाँ पे नाच वगैरह भी होते हैं। अच्छा महाराज जी, इन चट्टानों में जानवरों के भी चित्र बने हैं, ये देखिए। हाँ, वो गाय भी सामने बनी है ना। हाँ, अब ये देखिए आप कौन बनाया होगा, आप भी बताइए इनको। इतना ऊंचे में पहुंचना भी बल है। हाँ, काफी ऊंचाई में खड़े होंगे, कैसे क्या करेंगे वहाँ, नामुमकिन है। ये यहाँ पे बताया गया है इनके स्थान में जो रुकने की इच्छुक रहता है, हाँ, तो जो अन्न और जल नहीं करेगा वही रुक सकता है, बाकी नहीं रुक सकते। और इन चट्टानों में देखिए ये लिखाई कौन सी लिखी है, और ये चित्र देखिए कौन से बने हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई पालकी लेकर जा रहे हों। आप लोगों की इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें तो पालकी जैसा ही लग रहा है। और इधर भी देखिए कुछ चित्र बने हैं लाल रंग से, महाराज जी ने बताया कि ये सभी खून से लिखे हुए हैं। और इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इन चट्टानों में काला काला कोई पदार्थ अंदर से बहकर बाहर आ रहा है। महाराज जी ने बताया कि ये शिलाजीत है जो पत्थरों में बाहर बह रहा है। तो देखा दोस्तों किस तरह की चमत्कारी चट्टानें हैं, और ये पहाड़ की चोटी में हम खड़े हैं। इस पहाड़ के नीचे महाराज जी की कुटिया है जहाँ पर महाराज जी भजन साधना करते हैं। तो दोस्तों, संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।